बैक टू फूड लस्टर। आज हम लोग कोकोनट और पीनट चटनी बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। इडली डोसा बहुत अच्छा ब्लेंड होती है। आप चाहो तो पीनट चटनी को मैसूर मसाला डोसा में भी यूज कर सकते हो बिना टेम्परिंग किए। आप इस चटनी को एक हफ्ते तक रेफ्रिजरेट करके रख सकते हो, काफी सही लगती है। तो देर किस बात की, चलिए चटनी बनाते हैं। पर जाने से पहले आपको पता क्या करना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अब मूंगफली की चटनी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मूंगफली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 100 ग्राम मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। अब 2 से 3 मिनट तक मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। ये जैसे ही होगा ये खुद ही फूटने लग जाएगा और चटकने लग जाएगा। आप एक मूंगफली को छुड़ा के देख सकते हैं, जैसे ही अपना छिलका छोड़ने लगे तो मतलब ये हो चुका है। तेल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है हींग। और इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और आधा चम्मच उड़द दाल। इसे हल्का भूरा होने तक भूनना है, जब तक इसमें हल्का सा भुनने वाला खुशबू ना आ जाए। ध्यान रहे ज़्यादा गर्म ना हो तेल, नहीं तो जल भी सकता है। ये भूरा हो चुका है, अब इसमें हम लोग प्याज ऐड कर लेते हैं। प्याज हम लोग एक मीडियम साइज़ रफली चॉप्ड ऐड करेंगे। प्याज आप कैसे भी काट सकते हो, बाद में इसे जाके ग्राइंडर में ग्राइंड ही होना है। 1 मिनट तक इसे सॉटे करके 5 से 6 लहसुन ऐड कर लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज हल्का पानी ना छोड़ दे या फिर प्याज हल्का ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज जैसे ही पानी छोड़ दे हम लोग इसमें 2 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या मेरे हिसाब से आधा चम्मच नमक, बाकी हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट तक सॉटे करना है जब तक प्याज हल्का ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा भूरा नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। अब भुने हुए मूंगफली को ग्राइंडर में डाल देंगे और प्याज वाले मिक्सर को भी, और 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। मूंगफली में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है क्योंकि मूंगफली में पीसने के लिए पानी बहुत चाहिए होता है। जब तक इसमें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना आ जाए तब तक इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे पीसते रहेंगे। ऑलमोस्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी हो चुकी है, थोड़ा सा पानी और फिर हमारी डिज़ायर स्मूथ कंसिस्टेंसी बन जाएगी। हमारी पीनट चटनी तैयार है। जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। बहुत ही लाजवाब कलर आया है। अब इसे सर्व करके इसके टेम्परिंग कर लेते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे एक डीप बर्तन में थोड़ा सा तेल लेंगे और गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही आधा चम्मच सरसों यानी राय, आधा चम्मच उड़द दाल, 7 से 8 कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च, और इसे अच्छे से लाल कर लेंगे या थोड़ा सा भूरा कर लेंगे और चटनी के ऊपर डाल देंगे। टेम्परिंग करने से चटनी का टेस्ट इन्हांस हो जाता है और उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। कोकोनट चटनी के लिए 200 ग्राम कोकोनट छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, अगर ज़्यादा तीखे तो 1, आधा टुकड़ा अदरक का, आधा चम्मच जीरा साबुत जीरा और नमक स्वाद अनुसार या आधा चम्मच, बाद में टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर सकते हैं। 1 कप पानी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। कोकोनट में थोड़ा पानी ज़्यादा ही लगता है क्योंकि कोकोनट तुरंत ही पानी सोख लेता है, तो थोड़ा चटनी लिक्विडी ही बनाएंगे ताकि बाद में चटनी थिक ना हो जाए। अगर आपको कोकोनट चटनी थोड़ा सा दरदरा पसंद है तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, नहीं तो बस 1 ग्राइंड और फिर हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। हमारी कोकोनट चटनी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा चटनी लिक्विडी ही रखा है क्योंकि कोकोनट चटनी तुरंत ही थिक हो जाती है। अब इसकी टेम्परिंग कर लेते हैं। जैसे पीनट चटनी की टेम्परिंग की थी बिल्कुल वैसे ही करनी है। 2 चम्मच तेल इसको गरम कर लेंगे, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच उड़द दाल, 7 से 8 कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च, और इसे अच्छे से तड़कने देंगे, हल्का लाल कर लेंगे और फिर चटनी के ऊपर डाल देंगे। दैट्स इट, हमारी कोकोनट चटनी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है।